हाउस कांड के बाद मां अष्टभुजी मंदिर के पास दुष्कर्म के आरोपियों के मकान पर एक बार फिर चला बुलडोजर। शाम होने पर रोकी गई कार्यवाही, कल फिर चलेगा बुलडोजर। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल, प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद है। गेस्ट हाउस कांड के बाद मां अष्टभुजी मंदिर के पास दुष्कर्म के आरोपियों के मकान पर एक बार फिर चला बुलडोजर। शाम होने पर रोकी गई कार्रवाई, कल फिर चलेगा बुलडोजर। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल, प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद रहे। मां अष्टभुजी मंदिर के पास दुष्कर्म मामले के आरोपियों के मकान तोड़ने का सिलसिला हुआ प्रारंभ। एसडीएम और एसडीओपी मऊगंज की उपस्थित में दुष्कर्म के 6 आरोपियों में से चिन्हित किए गए अपराधियों के मकान तोड़ने का हुआ सिलसिला प्रारंभ। रीवा में पहली बार सर्किट हाउस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर से निर्देशित किया था दुष्कर्मियों के मकान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, तभी से रीवा में यह सिलसिला हुआ प्रारंभ। और आज उसी आदेश के चलते एक बार फिर पहुंच गया बुलडोजर दुष्कर्म करने वालों के घर पर। माना जा सकता है प्रशासन सख्त और कड़े निर्देश देना चाहता है ऐसे लोगों पर जिस समाज में इस तरीके का काम करते हैं। माना जा सकता है प्रशासन का यह कदम दुष्कर्म करने वालों के बीच दहशत का माहौल पैदा करेगा। इस तरीके का काम करने में अब वह 10 बार सोचेंगे। नई गढ़ी गैंग रेप के आरोपियों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अभी एसडीएम कलेक्टर साहब के निर्देश के लिए एसडीएम साहब, नई गढ़ी तहसीलदार साहब और पूरा प्रशासनिक अमला थाने पे बैठा हुआ है। और अभी हम सभी लोग कुछ देर पहले सभी जो 6 इस मामले में आरोपी हैं इन लोगों के घर पे गए थे और पटवारी साहब और तहसीलदार साहब के द्वारा उनके घर की जांच की जा रही है। और जैसे ही जो भी आगे इनके घरों में कमियां बनी उस आधार पर बताने का घर जो भी जहाँ बने हैं उसकी भी पड़ताल की जा रही है कि कौन शास्ती में है, प्रॉपर अनुमति है नहीं है क्या है, और उस स्थिति में जो भी कमियाँ पाई जाएंगी तो उनकी रहने के लिए कार्रवाई की जाएगी।